अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज फरहान परवेज एंड दिस इज राहिल शहजाद, और फिर से हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेकर। भाई एक और वीडियो जिसकी फरमाइश आ रही थी काफी टाइम से, और जैसे कि अभी हमने गुरुग्राम पे, गुरुग्राम नाम था, गुरुगांव और गुरुगांव वो एक ही है। मैं कंफ्यूज रहता हूँ, चेंज हो गया दोनों का नाम। उस पर वीडियो पे हमने रिएक्शन दिया, बहुत आप लोगों ने पसंद किया, आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, आप लोगों ने फिर एक और फरमाइश कर दी कि आप हमें कौन सा सिटी बोला था, नोएडा सिटी, इसका भी नाम नहीं सुना हुआ था। फिर उसके ऊपर हमने रिएक्ट करा, और अब एक और नया नाम सुनने को आया इंडिया के अंदर, एक और शहर है कोई, धोलेरा गुजरात में बन रहा है। धोलेरा यार प्रोनाउंसिएशन हमको सही नहीं आ रही, आप हमें सही मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा इसको, लेकिन आप मुझे बताएगा अगर मैं कुछ गलती करूँ तो। भाई तो बहरहाल ये हमें पता नहीं है, हमने जो नाम सुने में, हमने से मुंबई दिल्ली कलकत्ता, बस ये नाम सुने में। भाई ये नए नए नाम अभी अभी सुनने में आ रहे हैं, और बाकी बहुत अच्छा लग रहा है देख के सब कुछ। ठीक है, और इसको स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इसमें क्या होता है इसमें पता है। और गाइस इस वीडियो का लिंक और चैनल के लिंक आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर टू सपोर्ट द ओरिजिनल क्रिएटर, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आए तो। चले हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट सिटी गुजरात 2020 इंडिया डेब्यू। दोस्तों आपको एक नए वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे देश में बन रहे एक न्यू स्मार्ट सिटी धोलेरा के बारे में, जो जापान के शहर जैसे टेक्नोलॉजी, सिंगापुर जैसे एनवायरनमेंट और मुंबई जैसे इकोनॉमी से भरपूर ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट नेटवर्क, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट सिटी सिस्टम, लॉन्ग हाईवे, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और साथ में पोर्ट भी मौजूद होगा। एक ऐसी शहर बनाई जा रही है जो हर तरफ से कनेक्टेड है, शहर के हर एक चीज को स्मार्ट नेटवर्क से जुड़े जा रही है, चाहे स्ट्रीट लाइट्स हो, ट्रैफिक सिग्नल्स हो या फिर और कुछ, सब कुछ स्मार्ट एडवांस टेक्नोलॉजी। दुबई की तरह स्मार्ट सिटी भी कहा जा रहा है। आइए जानते हैं धोलेरा के बारे में डिटेल्स में, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। गुजरात के अंदर बन रही इंडस्ट्रियल सिटी धोलेरा भारत सरकार का एक धोलेरा अहमदाबाद शहर 45 किलोमीटर 900 के किनारे बनवाई जा रही है, 20 किलोमीटर दिल्ली मुंबई अहमदाबाद से दूर, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। 2007 में गुजरात वाइब्रेंट समिट में धोलेरा सिटी का प्रपोज किया गया था। 2011 में इसे ऑफिशियली लॉन्च की गई और 2016 में इस शहर को बनाने का काम जोर शोर से चलने लगा है। धोलेरा सिंगापुर से भी बड़ा होने वाला है, जहां सिंगापुर 721 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, वही धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर बनाई जा रही है। पूरा सिटी बना रहे जीरो से लेके जीरो से भाई ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इंडस्ट्रियल हब की बड़े बड़े ग्लोबल कंपनीज धोलेरा पे अपना दुबई टाइप कर रहे हैं कुछ, मतलब दुबई के टक्कर में आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जा रही है ताकि ज्यादा करके ग्लोबल कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना आए, इसलिए पूरे सिस्टम को एक छोटी सी विंडो में बदल दी। किसी को भी कुछ भी चाहिए एक सिंपल प्रोसेस से इंटरनेट के द्वारा मिल जाएगा, चाहे वो लैंड हो, स्मार्ट सिटी में तो यही होता है, बिल्डिंग्स बनाना हो या फिर कुछ भी करना हो, एक छोटे से क्लिक से सारी चीज आपके मुट्ठी में। और बताने की जरूरत नहीं, इतना इजी प्रोसेस होने के बाद कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये थोड़ा ना सिर्फ डेवलपमेंट पर डालते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पे हर एक चीज स्मार्ट बनवाई जा रही है। धोलेरा में कोई वायर्स ऊपर से नहीं जाएगा, सारे के सारे अंडर पाइपलाइन से चलाया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी लाइन, गैस पाइपलाइन, इंटरनेट कनेक्शन, वाटर लाइन, सब जमीन के नीचे से भाई अंडरग्राउंड पाइप काम चल रहा है ना, अंडरग्राउंड जाएगा। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है कि बारिश होने के बाद पानी शहर के अंदर जमा नहीं होगा, इसे कहते हैं फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग। शहर में कॉमर्शियल बिल्डिंग्स और रेजिडेंशियल बिल्डिंग एकदम अलग अलग रखा गया है, इस वजह से ट्रैफिक भी बहुत ही कम होगा। शहर के अंदर स्मार्ट हॉस्पिटल, बच्चों के लिए स्मार्ट पार्क, स्मार्ट स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज, स्मार्ट इंस्टीट्यूट, स्मार्ट लाइट्स, स्मार्ट मैनेजमेंट, सब कुछ बढ़िया स्मार्ट एडवांस स्मार्ट सिटी का ही नाम है, स्मार्ट सिटी है। सारे स्मार्ट टेक्नोलॉजी को संभालने के लिए भी तो कोई मैनेजमेंट होना चाहिए, इसलिए शहर के अंदर ये तो सबका बाप हो जाएगा, ये बच्चों की प्रोग्राम और वो एबीसी फॉर्म है, एडमिनिस्ट्रेशन काम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट फॉर धोलेरा। शहर में जो कुछ कौन सी बिल्डिंग है, एबीसीडी बिल्डिंग, सारे इंटरनेट के द्वारा एबीसीडी बिल्डिंग में कनेक्ट रहेगा। इन सारे टेक्नोलॉजी को मॉनिटरिंग के लिए 24 आवर्स लोग रहेंगे, कोई भी फैसिलिटीज में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो एबीसीडी बिल्डिंग उन डिपार्टमेंट के लोगों को खबर कर देगा। लाइक कोई भी बिल्डिंग में आग लगी हो, कोई एक्सीडेंट, कोई क्राइम या फिर भूकंप जैसे हादसे में एबीसीडी बिल्डिंग शहर के लोगों को पता लगने से पहले ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को सतर्क कर देगा।
इतने सारे स्मार्ट टेक्नोलॉजी चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत जरूरी है, तो इसलिए 5 मेगावाट बिजली तैयार की जाएगी शहर में। बिजली करने के लिए 5 मेगावाट तो कुछ भी नहीं होगा भाई, क्या जाएगा बताया जा रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनेगा, मतलब जरा सोचिए 50 या 500 मेगावाट होगा। प्लानिंग पूरी तरीके से हो चुका है, शायद इसे कहते हैं फ्यूचर स्मार्ट सिटी। अब कोई भी शहर बनेगा सिटी, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एकदम स्मूथ होना चाहिए, इसलिए 6 लेनों की एक्सप्रेस वे, धुलेरा अहमदाबाद मेट्रो, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और भी शामिल है। मतलब शहर में ट्रांसपोर्टेशन की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा भी शहर में इतने सारे स्मार्ट टेक्नोलॉजी बन रहे हैं और शहर में क्या क्या होने वाला है शायद मैं किसी और वीडियो में विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और धुलेरा शहर के बारे में आप अपना राय कमेंट पे जरूर बताओ। धुलेरा और अभी तक अपने चैनल तो कर क्या रहे हो यार, 920 स्क्वायर किलोमीटर में बन रहा है ये, और सिंगापुर से भी बड़ा है। सिंगापुर 712 स्क्वायर फीट पर है, 720 स्क्वायर किलोमीटर फीट बोल दिया गलती से स्क्वायर किलोमीटर यार, ये तो ये मतलब ये दुबई टाइप बना रहे हैं ये तो, मेरे ख्याल से आपके मुंबई वगैरह सब कुछ पीछे छोड़ देगा। मुंबई ऐसा तो नहीं है स्मार्ट सिटी, क्योंकि यार ये देखना है ना कि इसकी कंप्लीट कब तक होता है, इसकी वो 2016 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है ना, तो अब कितने साल का प्रोजेक्ट है ये, 10 साल का प्रोजेक्ट है ये, 20 साल का प्रोजेक्ट है, 25 ईयर्स का प्रोजेक्ट है ये, क्योंकि फिर उसके बाद पता चलेगा कि वाकई में इसने बीट कर दिया है, क्योंकि मेरे नजर में तो ये बीट कर देगा जिस तरीके से हर चीज वो मुंबई सबको ना हर चीज इसके अंदर स्मार्ट यूज कर रहे हैं, मतलब गाड़ियां भी वही 5G वगैरह से कनेक्ट होंगी, गाड़ियां स्ट्रीट लाइट्स और चीज मेरे ख्याल से, क्योंकि उस वक्त तक तो 5G आ भी चुका होगा। और वो जो ABCD बिल्डिंग के बारे में बताया यार, वो कितनी जबरदस्त है, उस बिल्डिंग से सब कुछ कंट्रोल हो रहा होगा पूरा शहर, मतलब उसके अंदर बताया वायर नेट के थ्रू कंट्रोल, वायरिंग वगैरह इसके अंदर बताया कि सब कुछ अंडरग्राउंड होगा। मेरे ख्याल से मुंबई में भी हर जगह अंडरग्राउंड नहीं होगा, कोई जगह उन्होंने कोई एक एरिया बनाया होगा बहुत अच्छा डेवलप जो अंडरग्राउंड होगा, लेकिन मुंबई भी अंडरग्राउंड नहीं होगा मेरे ख्याल से नहीं। नहीं अगर तो जैसे कि बता रहे हैं ग्राउंड रियलिटी अभी अगर जीरो है, मतलब जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब ये बन जाएगा, बन सकता है, नो डाउट कि बन सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन ये कि जब ये बन जाएगा तो आई एम श्योर कि ये सबको बीट कर देगा, इंडिया के सारे शहरों को बीट कर देगा। हाँ अगर इसी तरीके से जिस तरीके से इस वीडियो में बताया गया है कि भाई लोग इतने सीरियस हैं इसको लेके, और दूसरी बात पोर्ट भी है ना, वो तो समंदर के साहिल पे लग रहा है, तो वहाँ पोर्ट भी है, पोर्ट भी है और कुछ इसके अंदर बेनिफिट्स भी है इनके पास, जैसे पोर्ट की तुमने बात बताई है, ये इनके पास बेनिफिट्स हैं और क्या कहते हैं, और अगर इसी तरीके से गवर्नमेंट अगर इनकी जो आपकी भी गवर्नमेंट है उसके ऊपर काम करती है नॉन स्टॉप, और अगर ऐसा बना देती है तो मेरे ख्याल से कोई रिकॉर्ड भी बन जाएगा ये इंडिया के अंदर। आज तक मैंने ऐसी कोई एशिया में अपने इतनी दुबई वुबई इन लोगों के अलावा ये पाकिस्तान इस तरीके से, मतलब ये थॉट्स भी अच्छी है ना कि एक आइडिया बड़ा जबरदस्त है कि एक पूरा स्मार्ट सिटी ही बनाए, जब बना ही रहे तो स्मार्ट सिटी बनाए, अगर कोई जैसे वो गुजरात है, गुजरात के अंदर ये बना रहे, गुजरात बना रहे हैं, गुजरात के अंदर इसको बना रहे हैं, तो मतलब कि ग्राउंड से बना रहे हैं ऊपर तक, तो बिल्कुल A to Z आगे 10-20 साल सोच के बना रहे हैं, अच्छी प्लानिंग करके बना रहे हैं, तो ये अच्छा लग रहा है मुझे, क्यों हो सकता है ये प्रोजेक्ट जब हम आगे 10-20 साल बाद किसी को बताएं तो हम बोलेंगे नहीं यार हमने बहुत पहले से पढ़ा, हाँ। हमने बहुत पहले से देखा था, कोई यहाँ पे बताएगा ऐसा, हम अपनी ये वीडियो निकाल के दिखाएंगे भाई ये देखो ये हमने इसको रिएक्ट किया था ऐसा, उस वक्त ऐसा था, ऐसा हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल भाई, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वीडियो बहुत मजे की लगी यार, मजा आ गया देख के, थैंक यू सो मच आपका, आपने हमें इस वीडियो का लिंक दिया, इस वीडियो के बारे में, इस जगह के बारे में, इस नाम के बारे में बताया, हमें नहीं पता था आज से पहले इसके बारे में। और गाइस ये नीचे जो वीडियोस आ रही हैं इन वीडियोस को भी जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, और जिन वीडियोस पे आप चाहते हैं कि हम रिएक्ट करें हमें कमेंट सेक्शन में उस वीडियो का नाम और लिंक दोनों हमें भेजें, हम उस पे रिएक्ट करेंगे, और हम आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।